तो येहू मैं जो मार रहे इस एसएमपी का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेयर को, पर क्यों? तो ये तब से स्टार्ट हुआ जब रेस्टोर का मेरे को डीएमआई की वो प्रिंस को बिट्रे करके उसका बेस जो आने वाला है उसको मेरा हेल्प चाहिए। पर लास्ट वीडियो में मेरा पूरा ट्री हाउस उड़ चुका था, मेरा सामान जा चुका, मेरा घर भी जा चुका था, मैं सब कुछ जा चुका था, मैं सब खो दिया था। पर मैं ऐसे ही किसी बंदे पे, अपने ओपोनेंट पे जो कि मेरी टीम में भी नहीं है, उसको कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो अगर आप लोगों को पिछला वीडियो याद हो तो मैंने एंड में बोला था एक ट्विस्ट के बारे में। तो वो ट्विस्ट था कि मैंने पहले अपना जो सामान था निर्डाइट का वो इस बेस में शिफ्ट कर दिया था। तब तक इतना कुछ बना नहीं था बेस में, नॉर्मल बेस बना था तब, नॉर्मल से गड्ढा रूम था और इसलिए सामान कम था। मैंने ये सब शिफ्ट कर दिया था, अभी विलेजर नहीं था। अभी मैंने खैर विलेजर बना लिया, इसलिए अभी मेरे पे अपना आर्मर टूल सब कुछ वापस है। बस हर्ट मेरा जा चुका है, ट्री हाउस मेरा जा चुका है। बट अभी मैंने अपने टीम में जो कैसकेज है इसको बोल रखा था कि भाई मेरे लिए एन्चेंटेड निर्डाइट आर्मर बना दे। अभी देखते हैं मेरे लिए आर्मर बनाया नहीं बनाया, कितना बना भी देखते हैं उसके साथ बात करके। एसकेजे, एसकेजे, केसरी ब्रदर, मैंने मैंने तुमको मैं तुमको बोला था जो ये बुक्स निकाल के रखने के लिए, तुम निकाले थे बुक्स क्योंकि मेरे पास एमरल्ड तो है नहीं अभी। वो विलेजर से ट्रेड करके, हां विलेजर से ट्रेड करके विलेजर बना दिए थे ना हम लोग मिलके। हां हां भाई बना दिए, ये लो ये लो, तुमने दो आपको। हां दो ना फटाफट। हां भाई ये ले भाई। बाकी बाकी बुक्स कहाँ है? मैं तो एक आर्मर के लिए भी निकालने बोला था। बाकी बुक्स इस बैरल में पड़ी हुई है, दो दिन खोल रहा हूँ इस वाले में। ठीक है इसको खोलो तो तुम्हें खजाना मिलेगा। ओ ओ ओ ओ फ्लेम फ्लेम ब्रॉडफोर्ड नहीं है क्या? ब्रॉडफोर्ड नहीं है भाई, प्रोटेक्शन 3 है। व्हाट द हेल, क्या हुआ इधर? पूरा पूरा नेदरराइट का आर्मर पड़ा है, तुम्हारा है क्या भाई? भाई टीम में छोड़ो भाई इसके जैसा भाई, वरना हो ही ना भाई। इसको डैमेज का पार्ट लगा पक्का ले लूं ना, तेरा आर्मर है, तेरा है ना आर्मर, ले लूं ना पक्का। तेरे लिए तो हार्ड भी रखा है भाई मैंने भाई, वो हमारी फ्रेंडशिप भाई, वो हमारी फ्रेंडशिप का हार्ट है। हार्ट पहले मैं लगा लेता हूं, इधर लगाओ भाई, लगाओ हार्ट तो ज्यादा नहीं है। हां मैं ये आर्मर पहन लेता तो दूसरा आर्मर मैं तेरे को दे रहा हूं, ये तो एन्चेंट करके रख लेना ठीक है। अभी अभी सुनो, अभी रेस्ट्रो का मेरे को आया था डीएम ठीक है कि वो बिट्रे करने वाले प्रिंस को बिट्रे करने वाला है, उसको उसका बेस मिल गया। मेरे को उस पे बिल्कुल ये नहीं है, की नहीं है ठीक है। हाँ। तो मैं उसके साथ तो जाऊंगा, इसलिए मैं हर्ट लेके नहीं जाने वाला, हर्ट मैं तुमको देके जा रहा हूँ अभी के लिए ठीक है। ठीक है हर्ट, एक्स्ट्रा हर्ट जो है वो हाँ वो तुम रख लेना। तो उसके बाद मैं रेस्टो के साथ चला जाता हूँ प्रिंस का बेस ढूंढने के लिए। बट उसके बाद रेस्टो में से ऐसा कुछ करता है जिसका 99.9% उम्मीद मुझे था उससे। मार तू रहा है, ये मजाक है ना, ये मजाक है ना तेरे को क्या लगा हम तेरे, हम अपने टीममेट को बिट्रे करेंगे? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है भागने का केस। अरे डोंट फड़ी, तो मेरा टेंशन मत ले, तो अपना देख ले, मैं तो चला। तो उधर से तो मैं सक्सेसफुल निकल गया था, बट उसके बाद मुझे रेस्टार्ट प्रॉपर एक पीपी बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मैं किसी कम थोड़ी हूँ, मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक पीपी बैटल करते हैं, लड़ ले मेरे साथ। टोटेम लेके आया भाई, ये स्माइट क्या करता है? ये तेरे टीममेट को हटा दे, चाहे टीममेट मर जाएगा फ्री में, या टीममेट को मारूंगा मैं। ओए बच्चों को क्या मारता है, बाप से लड़ना? वो आ रहा है लड़ने, वो आ रहा है लड़ने, तू लड़ मेरे से। डायमंड पे आर्मर, डायमंड का आर्मर है भाई, तू लड़ मेरे से। ओए बिना आर्मर वाले निपट गया, निपट गया, निपट गया। अब मुझे भागना चाहिए आई थिंक। एक रेस्टो थे टीममेट स्माइट के लिए, बस एक ही वर्ड है मेरे पास, जब गार्ड में नहीं हो गुदा तो बीच में काहे कूदा। तो उसके बाद हम लोग का पीपी बहुत देर तक चलता है और एट लास्ट रेस्टो का हेलमेट टूट जाता है और वो भाग जाता है एरिना छोड़ के, मतलब एरिना तो है नहीं है फिर भी वो भाग जाता है। और मेरा आर्मर भी बहुत ज्यादा ही डैमेज हो चुका था। सो आफ्टर दिस फाइट मेरा आर्मर टोटल डैमेज हो चुका था। एंड अभी मुझे पहले तो अपने आर्मर को हील करना था, तो मैं चला गया अपने एक्सपी फार्म में और बहुत देर तक एफ के करने के बाद मैंने मॉब को मारा एंड मेरा आर्मर को मैंने पहले हील किया। उसके बाद अब बारी था रेस्टो से अपना रिवेंज लेने का। सो ट्रैप का आइटम एकदम सिंपल था, मैं एक नेदर पोर्टल बनाने वाला था जिसका कोऑर्डिनेट में एक बंदे को देने वाला था जो रेस्टो को ये बोल के लूट करेगा कि वो नेदर से मेरे बेस में उसको लेके जा रहा है एंड वो जैसे आएगा मैं उधर बैठा रहूँगा एक तरफ और उसको मार के नॉक बैक दे के मैं दूसरी तरफ उसको वॉइड में गिरा दूंगा। बट ये इतना ईजी नहीं था, देखो रेस्टो किसी पे इतना नॉर्मल ट्रस्ट करने वाला था नहीं, इसलिए मुझे ऐसे बंदे को पकड़ना था जो ना मेरे टीम में हो ना रेस्टो के टीम में हो, वो
डिफरेंट टीमें लाइक वो मेरा कोई ओपोनेंट हो इस टाइप का, और ऐसा एक बंदा था जो कि था संकल्प। अब जब मैं बिट टाइम रैप्टर और संकल्प हम चारों वीसी में थे, तो मैंने उसको डीएम में सब प्लान बता दिया था कि क्या क्या करना है, और फिर मैं और संकल्प झूठ मूठ का लड़ाई की और रैप्टर को ये यकीन दिलाए कि संकल्प अब मेरा बेस रिवील करने वाला है। उसके बाद संकल्प रैप्टर को मेरे बेस दिखाने के बहाने ल्यूर करके ले जाता है मेरे नेदर पोर्टल के पास, और उसके बाद होता है रैप्टर के साथ बूम बाम। तो मैंने कुछ इस तरीके से इस एसएमबी का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट टीम के लीडर को पूरा खत्म कर दिया था एंड उससे रिवेंज लिया था। बट अभी भी एक चीज इनकम्प्लीट है, जो कि लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं जानता हूँ आप लोगों ने नहीं किया, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया अभी के अभी करो सब्सक्राइब, करो लाइक वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।